इस एग्जांपल में जो ये सॉल्यूशन है लंबा सॉल्यूशन है, गलत नहीं है, तो मैं इसका छोटा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। क्वेश्चन है आपको वर्क डन निकालना है इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, कितना चार्ज, माइनस क्यू, कहाँ से, सेंटर सी टू इन्फिनिटी। इस डायग्राम में एक कैपिटल क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज है, उसको सेंटर से कहाँ लेके जा रहे हैं, इन्फिनिटी, और मुझे वर्क डन निकालना है। तो ये इन्फिनिटी कौन सा पॉइंट माना जाएगा मेरा फाइनल, और सी क्या माना जाएगा, इनिशियल। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फिर फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज माइनस क्यू इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल क्या है, वी इन्फिनिटी, इनिशियल पोटेंशियल क्या है, सी, है ना, इन्फिनिटी फाइनल है और सी मेरा इनिशियल है। तो मैं कोई रूल वॉयलेट नहीं कर रहा, जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी के मैंने अप्लाई किए शीट में वही यही कर रहा हूँ सेम। तो वर्क डन अपॉन चार्ज इज फाइनल माइनस इनिशियल, इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है बोलो, जीरो, तो वर्क डन की वैल्यू आएगी माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा। तो अगर मैं पोटेंशियल वीसी की वैल्यू बता दूं आंसर आ जाएगा, सही है। तो वीसी की वैल्यू बता देता हूं, क्यू इंटू सेंटर पे पोटेंशियल कौन लगाएगा, ये चार्ज, चार्ज लगाएंगे एक दो तीन और चार, तो ये चार्ज क्या लगाएगा, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय ए बाय रूट टू ये लगाएगा। ऐसे चार चार्जेस हैं, तो रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है, फोर से, आंसर ही ऑब्जेक्टिव मार्क कर देना, ये ऐसे कर लो सिंपल उसमें करो। समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ माइनस क्यू इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, सी का पोटेंशियल निकाल दो, पुट करके आंसर। मैंने ऐसा क्या किया जो कटवा दिया, मैंने ये किया, मैंने पहले ये माना कि चलो इन्फिनिटी से चार्ज को यहां लेके आते हैं, उसका वर्क डन निकालते हैं और एंड में माइनस करेंगे। पता नहीं मैंने क्यों लिखा ऐसे मैं खुद नहीं पता मैंने किस दुनिया में था, मैंने अप्लाई कर दिया, ये जरूरत नहीं थी, शायद इसलिए किया क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है, तो मैंने शायद इन्फिनिटी को ही पकड़ लिया रेफरेंस पॉइंट, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद ऐसे ज्यादा बेटर है। एक लाइन में आंसर आ गया। हेलो आरव, समझ में आ रहा है आरव? हेलो आरव, यस सर, समझ में आ रहा है? यस सर, ठीक।